हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शूट माई स्टाइल पे। और मैं शैलेंद्र आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है? कुछ लोगों के लिए तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी, बट कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती है। जैसा कि मेरे पास व्हाट्सएप पर कुछ लोग मैसेज करते हैं, यूट्यूब के चैनल पर भी मेरे को कुछ लोग मैसेज करते हैं कि सर मेरे साथ ये फ्रॉड हो गया, वो फ्रॉड हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, व्हाटएवर। अब मैं उन सभी लोगों को कहता हूँ कि आप कंप्लेंट कर दीजिए। जितने लोगों को मैं बोलता हूँ उसमें से 90% मैं बात करूंगा कि लोग कंप्लेंट कर देते हैं, चाहे उनके साथ फ्रॉड कुछ भी हुआ हो, चाहे वो साइबर क्राइम से रिलेटेड कोई फ्रॉड हो या सड़क चलते कोई फ्रॉड हो, वॉट एवर, किसी भी तरीके का। बट 90% लोग तो मेरी बात सुनकर कंप्लेंट कर देते हैं, बट 10% लोग ऐसे होते हैं जो कंप्लेंट को नहीं करते हैं। तो मैं बता दूं कि कंप्लेंट अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इससे आप हमेशा बचे रहोगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप कंप्लेंट कर देते हो तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि दिल को खुद को तसल्ली आती है कि यार मेरे साथ ये फ्रॉड हो गया और मैंने इसकी कंप्लेंट कर दी, नाउ आई एम इन सेफ जोन। दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट माइंडसेट कि अगर आपने कंप्लेंट को कर दिया है तो कंप्लेंट करने के बाद आपका जो माइंडसेट है वो एक रिलैक्स में आ जाएगा कि आपने कंप्लेंट कर दी है और आप रिलैक्स में हो। अब आपके साथ कभी भी कोई भी कोई अगेंस्ट में कोई चीज़ आती है तो आप दिखा सकते हो कि भैया मेरे पास ये रही कंप्लेंट, मेरे साथ जो फ्रॉड हुआ था उसकी मैंने कंप्लेंट लॉन्च कर दी है। तो अब बात करते हैं कि कंप्लेंट को करना क्यों मस्ट है। कंप्लेंट को करना इसलिए मस्ट है क्योंकि आप जब भी कंप्लेंट करते हैं तो सबसे पहले तो अपने आप को सेव करते हैं, दूसरा उसी तरीके से, या मैं बात करूं कि उन्हीं नंबर से जिन नंबर से आपको, जैसे फेसबुक हो गया, को मोबाइल नंबर हो गया, या फिर किसी भी और तरीके से आपको जब फ्रॉड में फंसाया जाता है तो जो मीडिया इस्तेमाल किया जाता है, अगर आप अपनी कंप्लेंट में उस मीडिया को इंट्रोड्यूस कर देंगे कि मेरे साथ इस नंबर से फ्रॉड हुआ, इस फेसबुक लिंक से फ्रॉड हुआ, तो ये सब चीज़ें पुलिस क्या करती है, उनको ब्लॉक कर देती है, बंद कर देती है। तो इससे जो बेनिफिट क्या होता है कि उन्हीं सब लिंक से अगर किसी और के साथ फ्रॉड होने वाला होता है तो वो फ्रॉड नहीं होता है। शायद ये चीज़ जो है कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं, वो 10% जो लोग हैं जो कंप्लेंट नहीं करते हैं उनको शायद इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता होता है, या वो इग्नोर कर देते हैं कि ठीक है यार हम तो बच गए, अभी तक तो कुछ हो नहीं रहा है, आगे की देखेंगे। और अगर आगे की देखोगे तो फिर मेरे को मैसेज मत करो, फिर मेरे को मत पूछो कि सर 2 साल बाद वीडियो वायरल हो जाएगा, या अब ये मेरे साथ जो फ्रॉड हुआ था ये वीडियो वायरल नहीं हो जाएगा, ये घटना दोबारा नहीं हो जाएगी, इस तरीके से मेरे साथ दोबारा नहीं होगा। अगर आप ऑलरेडी इंटेलिजेंट हो तो फिर मेरे से क्वेश्चन मत पूछो, या फिर आप मेरे को इंटेलिजेंट समझते हो तो फिर जो मैं कह रहा हूँ वो मान लो। कंप्लेंट करने में हार्डली आधा घंटा लगता है, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि कंप्लेंट करने में 5 मिनट लगते हैं। कंप्लेंट आप स्टार्टिंग करोगे, आप उसको एविडेंस इकट्ठे करोगे, स्क्रीनशॉट लोगे, अपना लैपटॉप खोलोगे, तो इन सब जो पूरे टाइम में, मतलब पूरे काम में जो टाइम लगता है वो आधे घंटे का टाइम लगता है। तो अपनी पूरी लाइफ में से या पूरे दिन में से आप अगर आधे घंटे का टाइम निकाल कर अगर आप कोई कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं तो वो आपको सेव करती है। तो कंप्लेंट को जरूर करिए, ज़्यादा सियाणे बनने की कोशिश मत करिए, क्योंकि आज हम बैठे हैं, आज हम सेफ हैं, चाहे हमारे साथ न्यूड वीडियो कॉल का स्कैम हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, बट भविष्य में आपके साथ किस तरीके का फ्रॉड होने वाला है, कौन कौन से नए फ्रॉड आने वाले हैं, इसका किसी को कुछ नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता। मैं आज की डेट में जो आपको भरोसा देता हूँ वो आज की सिचुएशन के हिसाब से आपको भरोसा देता हूँ कि आपके साथ अभी तक जितना सब कुछ हो गया है, जितने चीज़ों के बारे में आपने मुझे बताया है उस पर जो मैं आपको आंसर करता हूँ, मैं बताता हूँ कि अब ये नहीं होगा। बट भविष्य में कोई नए तरीके का फ्रॉड जनरेट हो गया तो आप क्या करेंगे, सोचिए। तो इसलिए कंप्लेंट को रजिस्टर जरूर कर दीजिए। अगर आपको कंप्लेंट करना नहीं आता है तो आप अपने किसी भाई बंधु रिश्तेदार की हेल्प ले सकते हैं, जो आपका बहुत नज़दीकी हो, आपको लगता हो कि ये जो कहानी है आपकी, आप उसको बता सकते हो और वो आपकी ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकता है। cybercrime.gov.in, इस पर आपको कंप्लेंट करनी है। और मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगा कि आप इस साइट पर ही कंप्लेंट कर दें। आप ज़रूरी नहीं है कि आप अपने लोकल थाने में जाएं या साइबर क्राइम के ऑफिस में जाएं फिजिकल और वहाँ पर कंप्लेंट करें, आप साइबर क्राइम की साइट पर जाकर भी कंप्लेंट कर सकते हैं, वो भी उतनी ही इफेक्टिव होती है जितनी आप लोकल थाने में जाके कंप्लेंट को करते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। और कंप्लेंट जरूर करिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, कंप्लेंट कभी भी कोई भी केस है उसको ओपन कंडीशन में कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो केस छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी केस आपको कभी भी ओपन कंडीशन में नहीं छोड़ना है। ओपन कंडीशन इन द सेंस कि आपके साथ फ्रॉड हो गया बट अब आपके साथ जिसने फ्रॉड किया वो आपको अभी कॉन्टेक्ट नहीं कर रहा है या आपको परेशान नहीं कर रहा है, दैट इज़ अ कंडीशन, इज ओपन कंडीशन। तो आपको क्या करना है, आपको कंप्लेंट लॉन्च जरूर करनी है। तो गाइस मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय नमस्कार। और जिन लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो वो लाइक जरूर करना, और जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करना, चुपचाप चले मत जाना।